है ना, एक बड़ी अफवाह चल रही है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कि उसने जो है भीम आर्मी या चंद्रशेखर भाई को जो है किस तरह की धमकी दी है, क्या ये बात सच है? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से पहली बात तो ये है कि भाई उसका और हमारा मेल क्या है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पीछे वीडियो देखकर आपको क्या लगा है कि चंद्रशेखर आजाद क्या मूली है, चंद्रशेखर आजाद क्या सब्जी है, चंद्रशेखर आजाद रावण क्या भंटा है, क्या गोभी है? नहीं है ना। लेकिन कुछ तथाकथित पत्रकार ऐसे हैं जो अपना व्यू पाने के लिए, मैं नहीं बोलना चाहता था, कुछ यूट्यूबर कुछ सोशल मीडिया पे काम करने वाले अभद्रता इतना करते हैं कि कुछ भी अभी नाम ले लूंगा तो फटने लगेगी। अपने आप को कहते हैं कि मैं दलित का पत्रकार हूं, अपने आप को कहते हैं कि मैं क्या होता है कि सिर्फ गरीबों का पत्रकार हूं, खासतौर से क्या होता है एससी एसटी ओबीसी का पत्रकार हूं, और यही लोग किराने की भी बात करते हैं। इस वीडियो को देखकर मैं बताऊं क्या लग रहा है। मैं बता दूं आपको कि लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से नाम आ रहा है कि नहीं चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। और जो चैनल इस वीडियो को चला रहा है, जो चैनल वीडियो चला चला के अपना व्यू बटोर रहा है, वो चैनल भी गलत है। मैं कह रहा हूं कि वो चैनल, उसमें दमदारी नहीं है कि जाके चंद्रशेखर आजाद से बात कर पाए, उसके दमदारी नहीं है कि हकीकत जानने का प्रयास, कुछ भी। चंद्रशेखर के नाम पर व्यू बटोरना छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग दलितों के बहुत इतनी बताने दीजिए कि दलितों के लिए कितना काम किया है चंद्रशेखर आजाद जी, जो काम कर रहे हैं उसे करने दीजिए। अभी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब सोचिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन जी जिस इस तरह से कर रहे हैं कि हमसे रतन बिश्नोई से क्या लेना देना है, लॉरेंस बिश्नोई से हमें क्या लेना देना, उसका अलग रास्ता है, मेरा अलग रास्ता है। लेकिन कुछ तथाकथित पत्रकार एकदम उसी में खड़े जा रहा है, खींचे जा रहा है कि नहीं मारने का रहा है धमकी। आप लोग खुद उकसा रहे हैं, आप लोग क्या समाज को सफाई देंगे? चंद्रशेखर आजाद कोई गाजर मूली नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और चंद्रशेखर आजाद समाज के लिए अलग कार्य कर रहा है। आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो विपक्ष वाले करते हैं, हिंदू मुस्लिम आप ही लोग कहते हैं, विपक्ष वाले हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। कभी चंद्रशेखर आजाद को ऐसा नहीं कहा। आप लोग खुद चाहते हैं कि लड़ाई हो, आप खुद चाहते हैं कि एससी एसटी लड़े, आप लोग खुद चाहते हैं कि ओबीसी एससी के लोग लड़े, लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है जिस तरह से जो अफवाहें उड़ी है कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है चंद्रशेखर आजाद को, ये हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पीछे वीडियो देखा जो तथा उसके क्या होता है कि बेचारे जाके क्लियर करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोचिए ये है असली पत्रकारिता और ये है असली यूट्यूबर और ये है सोशल मीडिया का पावर, जो जाके बेचारे खुद कहते हैं कि क्या ऐसा है जो अफवाहें सुनने में आ रही है। खुद रतन जी कहते हैं, उसके भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और उससे मेरा लेना देना। मैं आप बस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनसे दूर रहे, जो लोग एससी एसटी के ऊपर अफवाहें फैला रहे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद पे अफवाहें फैला रहे हैं खासतौर पे चंद्रशेखर आजाद से रहे, आप ही लोग कहते हैं ना कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, तो ऐसे यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ के शेर को गीदड़ मत बनाइए, नहीं तो फिर आगे चल के आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। कुछ यूट्यूबर हैं जो कुछ तथाकथित पत्रकार हैं जो क्या कर चंद्रशेखर का नाम लेके, गोल्डन दास जैसे लोगों का नाम लेके जिंदा है, तो इन लोगों के बातों पे आप ना आइए। और सीधा एक चीज आप समझिए कि आप लोग जो कर रहे हैं, जो एससी एसटी के समाज के लोग कर रहे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और अपने दम से कुछ करिए, और चंद्रशेखर आजाद का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कुछ भी हो। और चंद्रशेखर आजाद लड़ाई हथियार से नहीं लड़ता है, वो संविधान से लड़ता है और कानून के दायरे में रह के लड़ता है, और सबको यही सिखाता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, न कि हथियार की। तो कुछ चढ़ाने वाले हैं उनसे बचिए, और जितने हमारे वीडियो के देख रहे हैं आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। चंद्रशेखर आजाद को मारने की बात लॉरेंस बिश्नोई कभी नहीं किया था, न कहेगा, न चंद्रशेखर आजाद को भली भांति जाती, चंद्रशेखर आजाद एक उभरता हुआ सितारा है और संविधान की पालन करने वाला है, संविधान की जो पालन करेगा हथियार लड़ाई की बात नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस।
नमस्कार। तो है ना, एक बड़ी अफवाह चल रही है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कि उसने जो है भीम आर्मी या चंद्रशेखर भाई को जो है किस तरह की धमकी दी है, कई बात सच है? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से पहली बात तो ये है कि भाई उसका हमारा मेल क्या है, भाई वो अपना काम कर रहा है, क्या काम करता है मुझे ये भी जानकारी नहीं है। क्या धमकी दी मुझे भी नहीं पता, आपके मुंह से पता लग रहा है? वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो भी मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं वो बाबा सिद्दीकी को, देखिए जो उसने हाल किया। देखिए, अगर इंसानियत के खिलाफ कोई है तो हम उसके खिलाफ है, कोई भी आप भी अगर इंसानियत के खिलाफ तो हम आपके खिलाफ है। हमारे संतुल नहीं कोई धमकी वमकी आई है। दूसरा धमकी वमकी हम क्यों डरे भाई, हम तो हमने तो अपनी जान हथेली पर रखी हुई है।